हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल राज्य मंत्री हैं। सर, कैसा रहा बजट, कितना होपफुल है रेलवे के तब्दीलियों को लेकर, बदलाव को लेकर और जाहिर तौर पर पब्लिक फ्रेंडली रेलवे होने को लेकर? ये बजट में ईज़ टू लीव, देश का 130 करोड़ लोगों के लिए ईज़ टू लीव, ईज़ टू ट्रैवल, ईज़ टू गेट द फैसिलिटी, ये करने के लिए हर आदमी के लिए बजट बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कितना आप लोग खर्च करने वाले हैं, बड़े प्रोजेक्ट खासतौर पर, आपको बुलेट ट्रेन की बात करें उसको लेकर कितना प्रभावी बजट रहेगा? 100 लाख करोड़ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बताए प्रधान निर्मला सीतारमन जी। ये हो गया तो देश में बहुत बदलाव आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा और देश का आमदनी बढ़ जाएगा और वी कैन एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज। पिछले 5 साल में रेलवे कायाकल्प की ओर बढ़ता रहा है और जाहिर तौर पर कई सेमी हाई स्पीड ट्रेन आप लेकर आए हैं। अगले 5 साल का टारगेट क्या रहेगा, स्पीड की बात करें, कम्फर्ट की बात करें और ओवरऑल चेंज की बात करें? बहुत दफ़ा मैंने बोल दिया है, प्रायोरिटीज, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी, ये करने के बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी आज बोल दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हमारा रेल पटरी खाली रहेगा तब उसके ऊपर भी चलाने के लिए योजना चल रही है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया तो और भी बढ़ जाएगा। एक आखिरी सवाल की प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, क्या PPP से उसका मतलब समझा जाए या फिर माना जाए कि कुछ और यहाँ से? ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं है, अभी एयरपोर्ट में है, एयरपोर्ट में अलग अलग विमान, अलग अलग कंपनी वाले आते हैं। ऐसा जब हमारा रेल का ये खाली रहेगा जब उसके ऊपर चलाए तो इट्स अ ट्रायल स्टडी इज गोइंग ऑन दैट। एक आखिरी सवाल की वेलफेयर को लेकर क्या करेंगे, खास तौर पर चूंकि टिकट का रेट जो है वो जाहिर तौर पर आपके एक्सपेंडिचर से कहीं कम है, उसको कैसे, डिफिसिट को आप कंट्रोल करेंगे, वो तमाम चीज़ें कैसे? अभी तो 57 पैसे हम दे रहे हैं, 1 रुपये का टिकट रहा तो 57, उसमें सब्सिडी सरकार दे रही है। अभी आने वाले दिनों में जैसा हमारा गैस का छोड़ दिया है लोग, ऐसा लोग छोड़ दिया तो और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाएगा और लोगों का सुविधा के लिए ट्रेन वी आर रनिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और रेल का पटरी है, सरकार कितना भी परीक्षा खर्चा हो तो भी हम करेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको लेकर आप कितना आशान्वित हैं, चूंकि काम चल रहा है और जाहिर तौर पर उसके लिए बहुत सारा बजट भी चाहिए? काम तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस में है, हमारा प्रधानमंत्री का विजन है बुलेट ट्रेन देश में होना चाहिए, वो देखने के बाद बाकी का चेंज होना चाहिए। इतना दिन तक हमारा इंजीनियर्स माइंड अप्लाई करना चाहिए थे, विदेश में बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरा बगल के देश में चाइना रहने दो, जर्मनी रहने दो, जापान रहने दो, उधर 400 किलोमीटर जाता है, मेरा ट्रेन अभी भी 100 किलोमीटर के